अंग स्पर्श मंत्र से अपने अंगों को आरोग्य बनाने का, अपने अंगों को निरोग बनाने का एक संकल्प लेंगे। ओम वांग में आए अस्तु, ओठ के दाहिने तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा मेरे ओठ में कोई बीमारी ना हो, मेरे मुख में कोई बीमारी ना हो, मसूड़ों में कोई बीमारी ना हो, दांतों में कोई बीमारी ना हो, कंठ में कोई बीमारी ना हो, और ये मुख से कोई वाणी निकले, शब्द निकले तो बहुत सहज सरल और मृदु निकले, ताकि दूसरों को कष्ट को हरण करने वाला हो जाए। ओम न सिर में प्राण वस्तु, नासिका के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा मेरे नासिका में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, और सांस लेने और छोड़ने का जो अभ्यास है वो निरंतर बना रहे, और नाक से जो सूंघने की शक्ति है वो हमेशा अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता रहे। ओम प्राणो नसुर में प्राणो अस्तु, नासिका के दाएं बाएं तरफ। ओम अक्षोरण में चक्षुर अस्तु, आंख के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा आंखों में कभी कोई बीमारी ना हो, कोई मोतियाबिंद ना हो, और कभी रोशनी इसका घटे नहीं, और आंख से किसी को देखे तो सब में ब्रह्म भाव दिखे। कहा गया है कि देखने वाला भी ब्रह्म है, और जिसको देखते हैं वो भी ब्रह्म, या हवन में जो सामग्री है वो भी ब्रह्म, कटोरा भी ब्रह्म, गिलास भी ब्रह्म है, अगरबत्ती भी ब्रह्म है, कपूर भी, घी भी, चम्मच श्रुआ और हवन समिधा लकड़ी, सब कुछ ब्रह्म है। आप और हम सब ब्रह्म के एक इकाई है, इसलिए सबके प्रति ब्रह्म का भाव, सबके प्रति प्रेम भाईचारा का भाव रखते हुए ओम कर्णयोर में श्रोतम अस्तु, कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा मेरे कान में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, हम कभी बहरा ना हो सके, मैं हमेशा सुनता रहूं, और कान के पर्दा में कभी छेद ना हो। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु, कंधा के दाएं तरफ बाएं तरफ, के हे परमात्मा मेरे बाजुओं में, मेरे कंधों में कभी दर्द ना हो, और ये हाथ कभी उठे तो किसी को मारने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो किसी को सताने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो किसी को सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए उठता रहे। ओम उर्वोर में ओजो वस्तु, जांघ के यानी घुटने के दाएं तरफ और बाएं तरफ, के हे परमात्मा मेरे पैरों में, मेरे घुटने में, मेरे कमर में, मेरे तलवे में, मेरे पिंडली में कभी भी कोई दर्द ना हो, कोई बीमारी ना हो, और ये शरीर हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित होता रहे। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनु संतवा मेसा संतु, अब शरीर के चारों तरफ छिड़क करके सभी अंगों को पोषित करते हैं, याद करते हैं कि हे परमात्मा मेरे शरीर के जितने अंग हैं अंदर बाहर, जिनको नाम लिया नहीं भी लिया, सब हमेशा निरोग रहे, और मेरे शरीर में कभी कोई रोग ना हो, इसके लिए नियमित रूप से रोज हम एक घंटा योगाभ्यास करें, अपने आहार विहार पर ध्यान दे करके दूसरों की सेवा में, दूसरों के प्रेम परोपकार में जीवन को समर्पित कर दें।